Hello my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it and press the bell icon. Hit the like button also. As you know we have already covered 40 questions in our previous video. If you have not watched, please visit on that and watch all of that that can enhance your knowledge regarding economics. and all videos are interconnected. You have to watch each and every video for your knowledge. Let's get started beginning with the 41st question and the video would remain in Hindi and English both language. 41st question is the place Xinjiang often seen in news is an autonomous region within the China. It shares border which with which of the following countries? इसमें जिगजियांग प्रोविंस के बारे में बात की गई है जो कि चाइना का एक ऑटोनोमस रीजन है मतलब इंडिपेंडेंट रीजन है और ये कौन से कौन से कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है ऑप्शन दिए हुए हैं फर्स्ट मंगोलिया सेकंड रसिया थर्ड कजाकिस्तान फोर्थ वन इज अफगानिस्तान फिफ्थ वन इज किर्गिस्तान सिक्स्थ वन इज उज्बेकिस्तान सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो और ये हिंदी में भी क्वेश्चन प्रोवाइड किया हुआ है ए ऑप्शन है वन थ्री फाइव सिक्स बी ऑप्शन है टू थ्री फोर फाइव सी है वन टू थ्री फोर फाइव इसका सी आंसर करेक्ट है आपको अगर यूपीएससी में अगर क्वेश्चन क्रैक करने हैं तो आपको मैप की नॉलेज होना बहुत जरूरी है क्योंकि ज्योग्राफी का मैप का पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है जैसे ही बट ये इकोनॉमिक्स में इसलिए आया हुआ है क्योंकि जो जिनजियांग प्रोविंस के बंदे अभी उघीर मुस्लिम है, जो वो हैं वहाँ पे राइट्स बिल करंट का क्वेश्चन है तो ये रिसेंटली इन दो टू थाउजेंड ट्वेंटी यू एस कांग्रेस पास द युघर राइट्स बिल मतलब यू एस कांग्रेस ने पास पास किया युघीर राइट मुस्लिम के लिए क्योंकि यू एस और चाइना राइवलरी रही हैं और आज एक दूसरे पे ट्रेड बैरियर लगा रहे हैं और जो भी इन दोनों की ट्रेड वार चल रही है तो उनके चिड़ाने के लिए उन चाइना को तो उन्होंने पेस्टर करने के लिए रूल बना दिया उनके लिए यूएस कांग्रेस में रूल पास हुआ द युघीर आर एन एथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी मतलब ये एथनिक है और रिलीजियस माइनॉरिटी में है चाइना में हु मोस्टली इनहेबिटेड जिनजियांग प्रोविंस मतलब उसके एक जिंजियांग प्रोवेंस प्रांत में रहते हैं जिनजियांग इज एन ऑटोनोमस रीजन विद इन द चाइना इज ऑल्सो लार्जेस्ट रीजन इट इज रिच इन मिनरल्स एंड शेयर बॉर्डर्स विद द सेवन कंट्रीज तो यहाँ से आपका क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होता है कि ये सेवन कंट्री से बॉर्डर है जैसे मंगोलिया रसिया कजाकिस्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान अफगानिस्तान एंड इंडिया आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं मंगोलिया तो आपको पता ही है रसिया और चाइना के बीच में सैंडविच है रसिया के साथ भी टच होता है और ये तीनों कजाकिस्तान किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान अफगानिस्तान एंड इंडिया सेवन कंट्री के साथ ये बॉर्डर है आपको इसको ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आपको एक बार मैप पे विजिट करना होगा आपके चीजें क्लियर हो जाएंगी फोर्टी सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं विद रेफरेंस टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ द 1956 इसमें बोला गया कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन रेजोल्यूशन होता है कोई बिल बनने से पहले बिल मतलब बिल मान लो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज दिस रेजोल्यूशन बिकेम द बेसिस ऑफ द फाइव सेकेंड फाइव ईयर प्लान क्या ये जो बेस था सेकेंड फाइव ईयर प्लान आपको पता है नीति आयोग से पहले हमारे यहाँ पे प्लानिंग कमीशन था तो उसके बारे में बताया गया कि यह सेकेंड फाइव ईयर प्लान था जो उसका बेस था एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज इट वॉज यूज फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन मतलब क्या था ये यूज किया गया जो बैकवर्ड रीजन थे उनमें इंडस्ट्री प्रमोट करने के लिए एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज इट एम टू हैव ऑल काइंड ऑफ इंडस्ट्री इन द पब्लिक सेक्टर इसका उद्देश्य था कि पब्लिक सेक्टर का हर इंडस्ट्री में हाथ होना चाहिए और वही डेवलप करने वाला होना चाहिए इसमें सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो आप अपना आंसर मार्क कीजिए साथ के की साथ में तभी आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे फर्स्ट एंड सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है एक्सप्लेसन में दिया हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कैसे द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 जैसे हमारा कंट्री 1947 में आज़ाद हुआ तो 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो उसके बाद क्या था प्लानिंग कमीशन बन गया था तो प्लानिंग कमीशन क्या नाइनटीन से फाइव ईयर के लिए लेता था फिफ्टी तक रहा और सेकेंड फाइव ईयर प्लान में 1956 में ये जो इंडस्ट्रियल मतलब पहले फाइव ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे ज़्यादा प्रमोट करने का जोर दिया गया था और सेकेंड फाइव ईयर प्लान में इंडस्ट्री पे क्योंकि उन्होंने सोचा था कि उस टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट ने अगर हम इंडस्ट्री को रिवाइव करेंगे तो हमारे देश की गरीबी मिट सकती है तो इसने बोला कि सेकेंड फाइव ईयर प्लान का इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन नाइनटीन फिफ्टी बेस था एंड द सेकेंड फाइव ईयर प्लान ट्राई टू बिल्ड ए बेसिस ऑफ द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी मतलब सोशलिस्ट क्या होता जो जो है जब जो इनकम के रिसोर्सेज होते हैं उन पे पब्लिक मतलब पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट का हिस्सा मेन डोमिनेंस हो प्राइवेट सेक्टर को इतना लिबर्टी नहीं दी हुई थी ये तो नाइनटीन के बाद जो एल बोलते हैं लिबरेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड तभी तो ग्लोबलाइजेशन ये इंप्लीमेंट हुआ था सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है द पर्पज ऑफ दिस पॉलिसी टू प्रमोट रीजनल इक्वेलिटी मतलब प्रांतीय रीजनल इक्वेलिटी सभी प्रांतों को बराबर लाने का इसमें मोटो था द दॉर इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन तो बैकवर्ड जो बैकवर्ड एरिया था उसमें इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए यही बेस था सेकंड फाइव सेकंड फाइव ईयर प्लान का थर्ड स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है दिस रेजोल्यूशन क्लासीफाई इंडस्ट्री इंटू थ्री कैटेगरी इंडस्ट्री को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया था फर्स्ट कैटेगरी कंप्राइज मतलब सम्मिलित थी इंडस्ट्री विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओड बाय स्टेट मतलब टाइप वन की थी क्या जिन पे टोटली अधिकार स्टेट का होगा मतलब स्टेट मतलब गवर्नमेंट का होगा एंड द सेकंड टाइप की वो थी जिन पे क्या है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट कर सकता है सपोर्ट कर सकता है कुड बी सप्लीमेंट मतलब एक सहारा देता सप्लीमेंट होता सहारा देना ना कि कंप्लीमेंट्री ये सप्लीमेंट्री चीज थी प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट करेगा बाकी ओनरशिप रहेगी गवर्नमेंट सेक्टर की और थर्ड टाइप का क्या था द थर्ड कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ द रिमेनिंग इंडस्ट्री विच वर्क टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर कुछ ही जो लिमिटेड थी वही प्राइवेट सेक्टर को कंपनियां दी हुई थी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्टी थर्ड क्वेश्चन कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्राइज इलास्टिलिस्ट सिटी ऑफ द डिमांड इसमें बोला गया कि जो प्राइस की लचीलापन रहता है उसके डिमांड के बारे में तो उसके बारे में स्टेटमेंट दी हुई है फर्स्ट स्टेटमेंट इट रेफर्स टू द मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड फॉर ए गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस मतलब कोई भी गुड्स है चीज जो सामान है उसके प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है तो उसके डिमांड के साथ उसके प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है तो उसका तो क्या इफेक्ट पड़ेगा डिमांड पे एंड सेकेंड वन इज डिमांड फॉर असेंशियल गुड इज़ प्राइज इलास्टिक वाइल द डिमांड फॉर दी लग्जरी गुड्स इज़ प्राइज इन अलास्टिक मतलब इलास्टिक होता है लचीलापन आपको पता ही है जो हम यूज़ करते हैं अपने कपड़ों में तो क्या है मतलब जो प्राइस मान लो गुड्स का चेंज हो रहा है जैसे लग्जरी आइटम जैसे हम मान लो एसी है कूलर है या बेसिक नेसेसटी जैसे हमारी जो ईटिंग हैबिट के लिए जो यूज होते हैं गुड्स जैसे राइस है गेहूं व्हीट है ब्रेड है तो इन पे क्या इलास्टिक होती है और जो लग्जरी गुड्स है क्या इन इलास्टिक होती उन पे लचीलापन नहीं होता विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स गिवन अबाउट इज और आर करेक्ट आप अपना आंसर मांग कीजिए ये बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें करेक्ट ओनली एक्सप्ल देखते हैं इसमें बोला है प्राइज इलास्टिसिटी क्या होती है प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड परसेंटेज चेंज इन प्राइज प्राइज में चेंज है एंड परसेंटेज चेंज इन डिमांड यही तो प्राइज इलास्टिसिटी है मतलब ओ सॉरी परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर क्या है जो क्वांटिटी डिमांडेड आएगी नीचे प्राइज आएगा इन अदर वर्ड्स प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेट एट विच डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज विद द प्राइस चेंज मतलब इसका क्या मतलब है कि प्राइस चेंज होगा तो उसकी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसको ही प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं मान लो आपका गेहूं का प्राइस पड़ेगा तो उसकी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वही प्राइस इलास्टिसिटी बोल देते हैं डिमांड इलास्टिसिटी और प्राइस का ही मतलब कोई डिमांड वे फे फैक्टर होता है या नहीं इसको ही इलास्टि इलास्ट्रिसिटी बोलते हैं प्राइज इलास्टिसिटी एंड प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड फॉर ए गुड टू चेंज इट्स प्राइज मतलब गुड्स की प्राइस में चेंज हो गया तो उसके रिस्पॉन्सिवनेस उसके क्या प्राइस बढ़ते ही उसकी डिमांड बढ़ जाएगी घट जाएगी उसको भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड बोलते हैं एंड ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि उसमें अपोजिट दिया हुआ है जैसे जो एसेंशियल कॉमोडिटी है चाहे उसका प्राइस ज़्यादा हो जाए फिर भी मार्केट में डिमांड रहेगी क्योंकि उसके बिना सर्वाइव करना मुश्किल है उसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है अगर सब्सिट्यूट है लग्जरी आइटम का क्या है कोई गरीब आदमी नहीं खरीद सकता तो उसका जरूर प्राइस क्या है इलास्टिसिटी का इफेक्ट पड़ेगा तो मतलब जो एसेंशियल कॉमोडिटी है आपकी वो प्राइस इन इलास्टिक है मतलब प्राइस का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कंजप्शन ऐसे ही होगा बट जो आपकी लग्जरी आइटम है लाइक ए वगैरह तो वो प्राइस इलास्टिक है प्राइस कम हो जाएंगे तो कई मिडिल क्लास फैमिली खरीद लेंगे नहीं तो नहीं खरीद पाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्टी फोर्थ क्वेश्चन कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिसेंटली लॉन्च एग्रीडेक्स मतलब एग्रीकल्चर इंडेक्स इंडिया एज फर्स्ट एग्रीकल्चर फ्यूचर इंडेक्स इसके बारे में स्टेटमेंट दी हुए था इंडेक्स वाज लॉन्च बाई दी मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ लिमिटेड जो इंडेक्स है मल्टी कॉमोडिटी कॉमोडिटी होता है जो आपकी चीज़ें होती हैं इनको कॉमोडिटी बोलाता था इकोनॉमिक टर्म में तो एक्सचेंज तो आपको पता ही होगा जो हम टेलीफोन की बोलते हैं वैसे ही इसको बोल दिया कि मल्टी है बहुत सारी कॉम्योडिटी एक्सचेंज बना दी ऑफ इंडिया लिमिटेड प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी है एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज दिस इंडेक्स ट्रैक्स द परफॉर्मेंस ऑफ द टेन लिक्विड कॉम्यूडिटी ओनली मतलब ये इंडेक्स क्या है टेन लिक्विड कॉम्यूडिटी लिक्विड होता है जो चेंज होती रहती है और द थर्ड वन इज दिस इंडेक्स कैन बी यूज एज ए हेजिंग इंस्ट्रूमेंट Hasing क्या होता है आप अपना फंड निकाल सकते हो किसी से जो शेयर मार्केट यूज करते हैं उनको पता होगा कि अप एंड डाउन कर सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट में दिस कैन बी यूज हेजिंग इंस्ट्रूमेंट एंड हेल्प इन रिस्क मैनेजमेंट आप अपना आंसर मार्क कीजिए विच ऑफ गिवन अबो आर करेक्ट सेकेंड एंड थर्ड इसका करेक्ट आंसर है एक्सप्लेनेशन देखते हैं इन जून 2020 नेशनल कॉमोडिटी एंड डेरीविटि एक्सचेंज मतलब एन सी डेक्स इसमें बोल दिया एन से नेशनल सी से कॉमोडिटी डी से डेरिवेटिव और ई एक्स से एक्सचेंज नेशनल कॉमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज लॉन्च द कंट्री फर्स्ट एग्रीकल्चर फ्यूचर इंडेक्स कॉल एग्रीडेक्स पहली बार ये फ्यूचर का इंडेक्स आया है एग्रीडेक्स इसमें क्या बोला गया कि फ्यूचर्स Are a type of derivative instrument. A derivative is an instrument whose value is derived from the value of one or more underlying asset. Can be commodities, precious metal, currency, bonds, stocks, stock, indices, ETC. In future, there is an agreement to buy or sell a specified quantity of financial instrument or physical commodity in. डेजिग्नेटेड फ्यूचर मंथ एट प्राइज एग्रीड अपॉन द बायर एंड सेलर इसमें बोला गया कि फ्यूचर में कोई एग्रीमेंट होता है बाय या सेल करने के लिए स्पेसिफाइड क्वान्टिटी मतलब लिम उसको क्वान्टिटी को स्पेसिफाई कर दिया इतना है और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फिजिकल कॉमोडिटी इन ए डेजिग्नेटेड फ्यूचर मंथ एट ए प्राइज एग्रीड अपॉन द बायर एंड सेलर इसमें यह बोल दिया कि फ्यूचर में आप कोई अभी एग्रीमेंट कर लेते हो कि फ्यूचर में इस मंथ में मुझे इस प्राइज में ये चीज़ें मिल लूंगा और आपसे दूंगा बेचूंगा और खरीदूंगा उसको ही मतलब एग्री इंडेक्स बोल दिया गया है इट वॉज लॉन्च द नेशनल जो कॉमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज फर्स्ट एग्रीकल्चर कॉमोडिटी एक्सचेंज विच ऑफर सर्विसेज अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन ऑफ द एग्रीकल्चर कमोडिटी इट ब्रिंग्स बायर एंड सेलर्स टूगेदर मतलब एक प्लेटफॉर्म ऐसे है कि बायर्स एंड सेलर को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लेके आता है एनसीडेक्स बोलते हैं नेशनल कॉमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज हैज पार्टनर विद द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एन आपको पता ही है जो मतलब यूज करते हैं अपने जो शेयर मार्केट यूज करते हैं उनको पता ही है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है ए लीडिंग इंडेक्स सर्विस प्रोवाइडर टू मेंटेन एंड एन रियल टाइम एन सी डेक्स एग्रीडेक्स वैल्यूज स्टेटमेंट टू करेक्ट है क्योंकि इसमें बोला गया कि एग्री डेक्स इज ए इंडिया फर्स्ट रिटर्न बेस्ड एग्रीकल्चर फ्यूचर इंडेक्स विथ ट्रैक्स परफॉर्मोस्ट ऑफ द टेन लिक्विड कॉम्यूडिटी मतलब क्या है इसमें बोल दिया कि आ, आगे आने वाले टाइम में आपकी कॉमोडिटियों के क्या प्राइस होंगे क्योंकि इनके प्राइस अप डाउन होते रहते हैं इसको लिक्विड कम्यूडिटी बोलते हैं तो जैसे खरीब और रबी की फसलें हैं तो उनको ले लिया इन्होंने काउंट में तो टेन लिक्विड कॉम्यूडिटी कौन कौन सी हैं जैसे कैस्टर ऑयल है सीड कैस्टर सीड है चना है कोरिएंडर है कॉटन सीड ऑयल केक गौर गम ग्वार सीड जीरा मस्टर्ड सीड रिफाइंड सोया ऑयल एंड सोयाबीन मतलब जिनके प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं ये टेन कम्योडिटी हैं टू एनश्योर डाइवर्सिफिकेशन इन द इंडेक्स नो ग्रुप ऑफ़ द रिलेटेड कम्योडिटी मे कंस्टीट्यूट मोर देन फोर्टी परसेंट ऑफ द टोटल वेटेज मतलब हर एक की फोर्टी परसेंट भी बेटेज लेनी है ज़्यादा नहीं लेनी इट विल फैसिलेट पार्टिसिपेंट इन हैजिंग देयर कॉम्योडिटी रिस्क बेस्ड ऑन द प्राइज द प्रोडक्ट मतलब उनको अपना पैसा लगाने और हैजिंग कर सकते हैं और कम कर सकते हैं द इंडेक्स कैन यूज एज एन इफेक्टिव हैजिंग टूल इन द फ्यूचर मार्केट कैन बी यूज फॉर डाइवर्सिफिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट इफेक्टिवली मान लो ये इंडेक्स होगा जैसे शेयर मार्केट में इंडेक्स देख के ही तो आदमी पैसा लगाते हैं वैसे ही एग्री इंडेक्स के लिए भी नई जैसे एन एस सी के तरह ही एक, एक एक्सचेंज बना दी गई है जिसको नेशनल कॉमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज बोलते हैं और उसने भी ऐसे ही इंडेक्स तैयार कर दिया जिसमें क्या है टेन लिक्विडिटी कॉमोडिटी को इंक्लूड कर लिया गया जो फ्यूचर का इंडेक्स तैयार कर देंगे कि अगले आने वाले टाइम में इसका कितना प्राइस अप जाएगा डाउन आएगा तो क्या इसमें हैजिंग करने का एक बंद को इफेक्ट पड़ेगा वो कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन चीजों में कितना नहीं करना चाहते ये बेनिफिट रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट मतलब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट आप मान लो किसी चीज को पहले पे करते हैं उसमें अपना अकाउंट नंबर ऐड करके फिर उसमें पैसे किसी भी चीज़ को खरीदते हैं उसको भी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट टू थाउजेंड कैन यूज पीपीआई मतलब जो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर है वो पीपीआई यूज़ कर सकती है एंड द सेकेंड वन इज द कंपनीज़ इशू पी पी आई हैव द ऑब्लीगेशन टू पे इंटरेस्ट ऑन पी पी आई बैलेंस मतलब कंपनी को पी पी आई बैलेंस पे इंटरेस्ट भी देना होता है क्या एंड द थर्ड वन इज स एंड रेगुलेटेड बाई दरबीआई विच ऑफ दिवन अब करेक्ट जो ऊपर दी गई स्टेटमेंट में से कौन करेक्ट आपका फर्स्ट एंड थर्ड आंसर करेक्ट है एक्सप्लेन में दिया हुआ कि जो पीपीआई है इंस्ट्रूमेंट दैट फैसिलेट परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विस एंड रेमिटेंस फंड ट्रांसफरसी जैसे मान लो कोई आप अपना पैसा किसी में स्टोर कर लेते हैं जैसे एग्जाम्पल ऑक्सीजन एंड मोबीविक आपने इसमें अपना अकाउंट ऐड कर लिया और उसमें आपका पैसा ऐड हो गया तो उसको ही प्रीपेड बोलते हैं इंटरफेस इंस्ट्रूमेंट प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट बोल दिया तो इसमें क्या है मोबीविक में आप पैसा अपना ऐड कर लो ऑक्सीजन में ऐड कर लो तो इसके लिए क्या है ये कंपनी एक्ट में नाइन्टीन है जो अमेंड दो में हुआ था तो इसके थ्रू एक्ट है और ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है कैन इश्यू एंड ऑपरेट पीपीआई आफ्टर रिसीविंग ऑथोराइजेशन फ्रॉम आरबीआई आरबीआई से ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी और पीपीआई को ऑपरेट कर सकते हैं वो और सेकेंड स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है क्योंकि इंटरेस्ट कुछ नहीं देते नो इंटरेस्ट इज पेएबल एट पीपीआई बैलेंस एंड द थर्ड वन इज करेक्ट दिस पेमेंट इंस्ट्रूमेंट आर लाइसेंस एंड रेगुलेटेड बाई आर बी आई अंडर अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट टू थाउजेंड सेवन मतलब आर बी आई कंट्रोल करता है इस एक्ट के थ्रू पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट टू थाउजेंड सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगर आपका आंसर गलत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है ये बिल्कुल ही हाईली मतलब जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है यू के लिए जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए वो हैं अगर आप इनको अच्छे से यहाँ अटैम्प्ट कर लेते हो आपका गलत होता कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से सीख के जाते हो एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो आपको फोर्टी सिक्स क्वेश्चन विद रेफरेंस टू दी लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन ऑफ द दरबीआई ऑफ इंडिया फॉलोइंग स्टेटमेंट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन जैसे रेपो रेट होता है जो जिस रेट पे आरबीआई बैंक को पैसा देता है लॉन्ग टर्म हो गया लंबे टाइम के लिए द फर्स्ट स्टेटमेंट इज लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन सप्लाइज द बैंक विद द लिक्विडिटी फॉर वन टू थ्री इस एट लोअर देन प्रीविलिंग रेपो रेट मतलब लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशन है जो क्या करता है बैंक के लिए पैसा लिक्विडिटी देता है उसको एक साल से तीन साल के लोअर देन रेपो रेट से क्या इंटरेस्ट रेट कम होता है इनका एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज इट एम्स टू इनेबल बेटर ट्रांसमिशन ऑफ मनीटरी पॉलिसी मतलब मनीटरी पॉलिसी की बेटर ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है बेटर ट्रांसफर मतलब आर ने अपना इतना बेसिस पॉइंट रेट इंटरेस्ट कम कर दिया बैंक को पैसा देने पर कस्टमर तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि बहुत ऐसे सारे ऐसे फैक्टर बैंक बताते हैं कि हमारा तो आर बी आई से ज़्यादा पैसा ही नहीं आया हमें तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है लोकल पब्लिक को जो हमने पहले से ही डिसाइड हुआ है तो उसी बेस पर हम अपना लोन देते हैं इसलिए बेटर ट्रांसमिशन होता नहीं है कभी हम न्यूज़ में सुनते हैं कि ट्वेंटी फाइव परसेंट बेसिस पॉइंट आर बी आई ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया पर कंज्यूमर को जो लोन लेने वाला है बोरोवर है उसको तो उतना ही मिल रहा है तभी बोलते हैं क्या इसका बेटर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया हुआ है पॉलिसी ट्रांसफर के लिए इट इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेट बॉन्ड मतलब क्या है इसमें एक्सपेक्ट हो सकता है कि कॉरपोरेट बॉन्ड में पैस जा, पैसा ज्यादा आएगा विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स गिवन अबो इज और आर करेक्ट आप अपना आंसर माफ कीजिए इसका आंसर सी है सेकंड एंड थर्ड जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि द एल टी आर ओ इज ए टूल अंडर विच द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स वन ईयर टू थ्री ईयर मनी बैंक्स मतलब एक साल से तीन साल तक के मनी देता है लैंड देता है उधार पे देता है रेपो रेट पे रेपो रेट असेप्टिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी विद द मैचिंग और हायर टेनवर ओवर एज ए को लेटरल. मतलब एक अपने पास एक सिक्योरिटी रख के चाहे तो उसी के वो उसमें होगी या फिर उससे ज़्यादा हायर रेट की टेन की वो सिक्योरिटी होगी को लेटर में रखेगा और पैसा दे देगा बैंक को क्योंकि बैंकों के पास भी जो को लेटर के लिए देने के लिए कुछ होना चाहिए तभी आर पैसा देता है तो वो क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जी सिक्योरिटी को या गवर्नमेंट बॉन्ड को जो उसी कीमत के हैं उनको दे देते हैं और आर से पैसा ले लेते हैं उसको लॉन्ग टर्म ऑपरेशन बोलते हैं क्योंकि ये एक साल से तीन साल के लिए होता है तो सेकंड स्टेटमेंट है एल ओ हेल्प आर टू एनश्योर दैट बैंक रिड्यूस देयर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट

एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट एल टी आर ओ इनहांस लिक्विडिटी इन द सिस्टम इससे क्या है लिक्विडिटी सिस्टम में बढ़ेगी क्योंकि तीन साल के लिए पैसा मिला है या एक से तीन साल के लिए पैसा तो ज़्यादा टाइम तक पैसा वो लैंड कर सकते हैं और इसकी इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए काम आ सकता है जैसे आर बी आई अर्लियर इंट्रोड्यूस ऑपरेशन ट्विस्ट एन अटैम्प्ट बाई देंट्रल बैंक टू मैनेज बॉन्ड यील्स एंड पोस्ट ट्रांसमिश ऑफ अर्लियर रेट कट्स मान लो रेट कट होते हैं तो उनको कस्टमर तक पहुँचाने के लिए ऑपरेशन ट्विस्ट है ये आर ने यूज किया हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्टी सेवन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इसलिए है कि, कि मान लो हमारे जो इंडिया में हम मान लो बीपीएल लाइन बनाते हैं या पॉवर्टी इंडेक्स बनाते हैं तो वो मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए उसके डायमेंशन कई सारे होने चाहिए क्योंकि पॉलिसी बनाने में बहुत बेटरमेंट में मतलब हम यूज कर सकते हैं क्योंकि अगर हम एक फी फैक्टर को लेके पॉवर्टी इंडेक्स बना देंगे तो उसमें क्या है सारी चीज़ें रिजोल्व नहीं होंगी और इफेक्टली पॉलिसी नहीं आ पाएंगी जिससे कि जिस बंदे को जरूरत है उसके बंदे तक फैसिलिटी नहीं पहुंच पाएगी फर्स्ट स्टेटमेंट जो मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स है रिफ्लेक्ट्स बोथ द इंसिडेंस ऑफ द मल्टी डायमेंशनल डिप्रेवेशन एंड इट्स इंटेंसिटी मतलब कई में क्या है डिप्रीवेशन मतलब जिसके पास पैसा नहीं है बट इट्स इंटेंसिटी पहले क्या है नॉर्मल मल्टी डायमेंशनल मत बोलो पॉवर्टी इंडेक्स था उसमें क्या है डिप्रीवेशन है हाँ बंदों के पास ये है नहीं पैसे उसमें सब कोई कैटेगरी में ला दिया बट इंटेंसिटी कितना कौन गरीब है उसको इंक्लूड करना ही मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है नहीं तो क्या है कोई जस्ट बीपीएल लाइन से जस्ट नीचे है और कोई बिल्कुल ही नीचे है सबसे नीचे जिसको रिवाइव करने के लिए पॉलिसी चाहिए इसलिए बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होना चाहिए एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज एम पी आई एसेज पॉवर्टी एट द इंडिविजुअल ग्रुप एंड नेशनल लेवल क्या है ये इंडिविजुअल ग्रुप पे एक पे इंडिविजुअल पे ग्रुप पे और नेशनल लेवल पे देता है इंडेक्स द इंडेक्स इज रिलीज द वर्ल्ड बैंक इंडेक्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया गया आपको करेक्ट आंसर बताना है फर्स्ट ओनली इसका करेक्ट है एक्सप्लेनेशन देखते हैं फर्स्ट इसलिए करेक्ट है द एम पी आई कैन एन इंटरनेशनल मेजर और एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पावर्टी कवरिंग ओवर हंड्रेड डेवलपिंग कंट्री मतलब ये सौ देशों में इम्प्लीमेंट किया गया है गरीबी को मापने के लिए क्योंकि मल्टी डाइमेंशन होना चाहिए पावर्टी भी मापें बट उसके साथ इंटेंसिटी भी होनी चाहिए डिप्रीवेशन है आदमियों के मतलब वंचित किया है फैसिलिटी के लिए पर उसमें देखते हैं कौन कितना उससे भी ज्यादा डीप में जाएगी कौन जितना गरीब है उसके पास फैसिलिटी नहीं पहुँच पा रही है वेज डिस्ट्रीब्यूशन इन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स द एम पी आई रिफ्लेक्ट्स बोथ द इंसिडेंस ऑफ द मल्टी डायमेंशनल डिप्रीवेशन मतलब जो डिप्रीवेशन है चीजें नहीं है उनके पास बट उसके पास इंटेंसिटी भी मापता है तो पुअर के पास कितना इंटेंसिटी कितना गरीब है वो एंड सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि एम पी आई एस एस पॉवर्टी इंडेक्स एट इंडिविजुअल लेवल इसलिए तो ये अच्छा बताया गया क्योंकि ग्रुप में या एवरेज लेके या नेशनल लेवल पे नहीं इंडिविजुअल के लेवल पे जाके एक एक चीज को मेजर करेगा कि ये आदमी गरीब है उसको सेग्रीगेट करेगा उसके लिए पॉलिसी बन सकती है ये इसलिए अच्छा है पुअस्ट अमंग द पुअर रिवेलिंग द पॉवर्टी पैटर्न विद इन द कंट्री एनेबलिंग पॉलिसी मेकर टू डिजाइन पॉलिसी मोर इफेक्टिवली तब प्रॉब्लम का पता चलेगा तभी नई पॉलिसी आएंगी तो इसलिए इसको अच्छा बताया गया है इट वॉज सेट फर्स्ट डेवलप्ड इन दू थाउजेंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है कि पावर्टी एक पॉवर्टी एक एन जी ओ ये किया है और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने भी इसमें हाथ बटाया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्टी एथ क्वेश्चन फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स दी गई हैं स्टेटमेंट वन कॉल मनी पास लिक्विडिटी क्रंच है मान लो कमी पड़ गई तो उसको पैसा चाहिए उसको इमीडिएट पैसा चाहिए शॉर्ट पीरियड के लिए तो उसको बोलते हैं कॉल मनी मार्केट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट बीरिंग लोन विदाउट एनी कोलेटरल मतलब कोई चीजें उसको सिक्योरिटी के तौर पे नहीं चाहिए कॉल मनी मार्केट के अंदर सेकेंड स्टेटमेंट इंटरेस्ट रेट्स इन द कॉल मनी मार्केट आर डिटरमाइंड बाय द आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट है आरबीआई के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं एंड द थर्ड स्टेटमेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूश आर नॉट परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन द कॉल मनी मार्केट जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आर नॉट परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन द कॉल मनी मार्केट आपको स्टेटमेंट अबो स्टेटमेंट्स में करेक्ट बताना है आप अपना आंसर मार्क कीजिए फर्स्ट ओनली इसका करेक्ट है एक्सप्लेनेशन देखते हैं इन कॉल मनी मार्केट मार्केट लोन्स कैन बी अवेल्ड बाय बैंक्स टू मीट लिक्विडिटी फॉर ओवरनाइट मतलब एक दिन के लिए बस वो क्या है इसमें को जमा नहीं करना पड़ता कोई सिक्योरिटी जमा नहीं करनी पड़ती इसमें क्या है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लिक्विडिटी अवेलेबल हो जाती है एंड द कोल मनी मार्केट इज अ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट पेइंग लोन विथ फाइनेंश इंस्टीट्यूशन टू अन अदर वेरी शॉर्ट पीरियड विदाउट एनी कोलेटरल बिना को लेटरल के लिए प्रोवाइड किया जाता है एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इन करेक्ट इसली है द कोल मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट आर नो डिटर्नमाइंड बाई दी आर बी आई मार्केट रेट सेल्फ मतलब मार्केट में जो रेट रहता है वही रहता आर बी आई डिसाइड नहीं करता कोल मनी मार्केट के लिए जो ओवरनाइट सिर्फ एक दिन के लिए लोन दिया जाता है विदाउट को लेटरल थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इन द कोल मनी मार्केट बैंक्स एंड प्राइमरी डीलर्स आर अलाउड टू बोथ बोरो एंड लैंड बट नॉन बैंक पार्टिसिपेंट सच एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल फंड्स सिलेक्ट कोपोरेट्स एंड परमिटेड टू ओनली लैंड मतलब इसमें बोला गया है कि जो बैंक हैं कोल मनी मार्केट में बैंक हैं प्राइमरी डीलर हैं अलाउड टू बोथ बोरो एंड लैंड बैंक हैं वो बोरो भी कर सकते हैं लैंड उधार भी दे सकते हैं बट नॉन बैंकिंग पार्टिसिपेंट सच एज फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल फंड्स एंड सेलेक्ट कॉपोरेट्स आर परमिटेड टू ओनली लैंड मतलब वो बस पैसा दे सकते हैं बट वो यहां से बोरो नहीं कर सकते दे आर परमिटेड टू पार्टिसिपेट मतलब पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं बट पैसा दे सकते हैं ले नहीं सकते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्टी नाइन्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग एक्सटर्नल बेंच लिंक्ड लैंडिंग रेट मतलब जो बाह्य बेंच मार्क बोलते हैं रेस्ट लैंडिंग रेट के हमारे इंडिया में वो उनके बारे में बोला गया है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ मैंडेट द बैंक टू लैंड ए न्यू लोन्स बाय यूटिलाइजिंग फोर एक्सटर्नल बेंच मार्किंग टुगेदर इसमें बोला गया कि आर ने मैंडेट किया है कंपल्सरी किया है कि बैंक को लोन्स को फोर एक्सटर्नल बेंच टुगेदर होने चाहिए

सेकेंड ओनली इसका करेक्ट आंसर है इसमें एक्सपीरियंस है द आरबीआई ऑफ इंडिया हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल बैंक्स मतलब आर बी आई ने मैंडेटरी किया है कि एक्सटर्नल बेंच मार्क में से सब टुगेदर नहीं है उनमें से एक करना है एक इंप्लीमेंट करना है कि पैसा देने के लिए बेंच मार्क के लिए एक अक्टूबर दो हजार उन्नीस से इफेक्ट में आया है ये चीज़ें कि जो मॉनिटरी पॉलिसी रेफर्स टू कस्टमर तक पहुंचनी चाहिए मोनिटरी पॉलिसी जो है क्योंकि जो है आर में ही आर बैंक का रेट तो सस्ता कर देता है आगे पॉलिसी वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है और कस्टमर को वैसे ही महंगा मिलता है तो पहले एम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट इसमें क्या था कि बहुत कम बैंक बोलते थे कि हमारे पास आर से बहुत कम पैसा आता है हम तो आदमियों से उधार लेते हैं बोरो करते हैं उनको फिर हम ब्याज देते हैं और इसलिए हम उन्हीं पैसे को लैंड पे देते हैं इसलिए हम ज्यादा पैसा वहां से इकट्ठा करते हैं आरबीआई से कम है तो इसलिए हम पॉलिसी ट्रांसमिशन नहीं कर पाते तो इनमें से चार में से एक सेलेक्ट करना कोई सा भी जैसे रेपो रेट जो बैंक आरबीआई बैंक को पैसा देता है जिस रेट पे या थ्री मंथ ट्रेजरीबल टी बिल्स बोलते हैं उनको ट्रेजरी बिल्स या जो उनका कूपन रेट होता है टी बिल्स का वो यिक्स मंथ टी बिल्स या वो ब्याज लग सकता है बेंच मार्क इंटरेस्ट रेट रिपोर्टेड बाई द फाइनेंशियल बेंच मार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड क्या प्राइवेट कंपनी ने बेंच मार्क सेट कर दिया कि इतना ही लोन देना इन तीन चारों में से कौन सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं सारे इकट्ठे नहीं हो सकते द इंटरेस्ट रेट अंडर एक्सटर्नल बेंच मार्क शुड बी रीसेट एट लीस्ट एवरी थ्री मंथ्स हर तीन महीने में रीसेट करना है डिसाइड करना है कि कितना लेना है और कितना ब्याज पे पैसे देने हैं सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि बोला गया एक्सटर्नल बेंच मार्किंग सिस्टम जो है लोन्स एंड क्रेडिट लिंक टू एम जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट है द बेस रेट ऑफ द बेंच मार्क प्राइमरी लैंडिंग रेट कंटिन्यू रीपेमेंट और रिन्यूअल कस्टमर विशिंग टू मूव टू द रेपो लिंक रेट मे डू शो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल टर्म्स मतलब उसके बाद भी वो डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि उनको रेपो रेट पे देना है या एक्सटर्नल बेंच मार्किंग पे देना है पहले तो जो मतलब पहले वाले जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट से ले रखा है उन पे भी ये लागू होता है कर सकते हैं वो इस पॉलिसी को अपना सकते हैं अपना इंटरेस्ट रेट चेंज कर सकते हैं या रेपो रेट या फिर तीन फैक्टर और हैं वो बताएं उनमें से वो अपना सकते हैं फिफ्टीथ क्वेश्चन देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पेयर्स रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बाई द रेट ऑफ इंक्रीज मतलब इन्फ्लेशन के टाइप बताने हैं नीचे टाइप और डिस्क्रिप्शन दिया हो जैसे वॉकिंग इन्फ्लेशन मतलब एक आप इसको कॉमन सेंस से भी अप्लाई कर सकते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन चलने वाली इन्फ्लेशन महंगाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन स्लोली इंक्रीज फ्रॉम वन टू फोर परसेंट क्रीपिंग इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इज इन दिंगल डिजिट नंबर रेजिंग फोर टू टेन थर्ड वन इज गलपिंग इन्फ्लेशन मतलब निगलने वाली इन्फ्लेशन रेट रिचेज फ्रॉम द बीस टू हजार परसेंट हाई इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द इन्फ्लेशन विच यूजली ओवर थाउजेंड परसेंटेज आपको करेक्टली मैच पेयर बताना आप अपना आंसर मार्क कीजिए इसको कॉमन सेंस से भी बता सकता है बच्चा क्योंकि बहुत इजी है अगर गलत हो रहा कोई दिक्कत नहीं आपको अगर यहाँ गलत करोगे तो आपको पूरी लाइफ याद रहेगा इसका सॉल्यूशन बी है जो है फर्स्ट क्या है आपका इनकरेक्टली मैच है इन्फ्लेशन सिग रिलेटेड नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम दर टू टेन परसेंट इज कॉल्ड वॉकिंग इन्फ्लेशन चार से दस के बीच में वॉकिंग है मान लो आप आपको ऐसे याद रख सकते हो चार से दस के बीच में वॉकिंग चलेंगे धीरे धीरे महंगाई आएगी तो क्या है मेजर प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये चार परसेंट तक आरबीआई को कोई दिक्कत नहीं होती थोड़ा बहुत कंसर्न लेने लगता है चिंता करने लगता है टू में क्या है इनकरेक्टली मैच है टू बी क्योंकि क्रीपिंग होती माइल्ड इन्फ्लेशन क्रीपिंग होता mild, when prices rise 3%, 3 पे तो mild है माइल्ड वैन प्राइज राइज थ्री परसेंट तीन परसेंट पर राइज करता है तो माइल्ड बोलते हैं इसको क्रीपिंग बोलते हैं एक साल या उससे कम के टाइम में अकॉर्डिंग टू द फेडरल फेडरलिजम फेडरलिजम मतलब आर बी आई वैन प्राइज इंक्रीजिज बाई टू और लेस इट बेनिफिट्स इकोनॉमिक ग्रोथ मान लो इन्फ्लेशन दो परसेंट से नीचे आती है तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको ही क्रीपिंग बोलते हैं क्रीपलिंग एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है कि गैलपिंग मतलब निगलने वाली बीस से हजार परसेंट तक आती है तो इसमें प्राइस इंक्रीज हो जाएगा इन्फ्लेशन सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी इट बी ए चैलेंज टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल उसको दोबारा से कंट्रोल में लाना मुश्किल होगा और हाइपर इन्फ्लेशन क्या करेक्ट है क्योंकि जो हज़ार से ऊपर हजार परसेंट से ऊपर होगी तो उसको देर इजे नो स्पेसिफिक डेफिनेशन यूजअली इनवॉल्व प्राइजिंग चेंजिंग सो फास्ट इट बिकम्स डेली अ करेंस अंडर इन्फ्लेशन जो हजार परसेंट से भी ज्यादा बढ़ रही है रैपिड मनी की डिक्लाइन हो रही है वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में एज कंपेयर टू डॉलर और फॉरन करेंसी ये हिंदी में भी आपको क्वेश्चन प्राइवेट किया हुआ है थैंक यू फ्रेंड्स आई विल कम टुमारो मोर क्वेश्चन दैट्स ऑल फॉर टूडे कीप लर्निंग बाय